लक ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाय 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 हाय, कहीं जाके सुकून का टाइम मिला। ओह चल बेटा जानी, सुकून से सो, मजे कर। ये धुले हुए कपड़ों का अपना ही मजा भाई। अरे कॉल ही कर लो यार, बता दी वो कल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, कॉल तो मिला लूं। हेलो, कॉल मिलाओ, जोड़ी बनाओ, मैरिज ब्यूरो जी, फरमाइए। सोने से पहले मैंने सोचा कि मैं रिमाइंड करा दूं, कल सुबह आप भेज रहे हैं ना। अरे सर आप बेफिक्र रहें, आपसे ज्यादा हमें जल्दी है। मेरी शादी की नहीं, हमें अपने कमीशन की, जो आपकी शादी करवा के हमें मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कल सुबह आपकी दुल्हन आपके घर पे होगी। दुल्हन? अरे मेरा मतलब है कि अगर आपको लड़की पसंद आ गई तो काजी भी गाड़ी में होगा, तो वहीं आपका निकाह पढ़ा देगा। मतलब निकाह भी वहीं, उसी वक्त काजी भी साथ होगा। जी जी, अब आप बेफिकर होके सो जाएं। थैंक यू वेरी मच। काजी भी साथ, दुल्हन भी साथ, इतनी क्विक सर्विस, हाय हाय कमाल है क्या भैया। बाजा बारात, फूलों वाला कमरा और मेरी दुल्हन। लगता है सुबह हो गई। हेलो मैरिज ब्यूरो जी, आप कौन? अरे मैं जानी जिसको आपने फोन किया। अरे माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपकी बेगम है। अबे पागल हो गए, बेगम में और मेरी आवाज में फर्क महसूस नहीं हो रहा है? जी कोई खास तो नहीं। अरे तो मेरी बेगम होती तो मैं मैरिज ब्यूरो में शादी के लिए क्यों कहता? सर हमारे पास कुंवारों से ज्यादा शादीशुदा लोगों की दरखास्तें आई हुई है दूसरी शादी के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ कि कॉल क्यों किए? सर वो जो लड़की आज आपको देखने आने वाली थी ना, वो कल आएगी। अरे ऐसा ना करो। सर वो आज कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है उसे। क्या सच्ची? तो कहना रिश्ता पक्का और नौकरी दोनों की मिठाई एक साथ ले आए। रिश्ता पक्का? अरे सर पहले लड़की देख तो ले। अरे नौकरी वाली लड़की को तो मैं बिना देखे अपना लूंगा, कबूले कबूले कबूले। सर मैं आपकी नहीं लड़की की आपको पसंद करने की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह अच्छी खबर सुन ली, चल भाई काम पे लग जा। कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है मैरिज ब्यूरो वाले डायरेक्ट लड़की घर में भेज दी। अब जानी ये तो तू खुद है। अरे बाबा दिलबर, तुम अभी तक चाय क्यों नहीं लेकर आई हो? बाबा कहाँ रह गई थी दिलबर?
अरे दिलबर, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही हो? तुमसे बात कर रहे हैं? दिलबर? दिलबर नहीं तो भला क्या, जानी गए? अरे और नहीं तो क्या, मैं जानी हूँ। अरे बाबा, लगता है दिलबर की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम आराम करो जाकर। बाबा बेटा जानी, मुझे तो लगता है ये सब लोग पागल हो गए, इन सबको तेरी लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? दिलबर क्या सोच रही हो, जाके थोड़ा आराम कर लो। मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे ये औरत नहीं मर्द हो। अरे हाँ, तो मैं और कौन हूँ? बाबा मुझे लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अरे दिलबर भला बाबा, तुम जाओ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ना तुम अदा को भी ना औरत बना दोगी। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं आदमी ठीक हूँ, मुझे औरत बनने का कोई शौक नहीं है। बेटा जानी, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया दिलबर को? अरे हाँ बाबा, पता नहीं क्या हो गया बाबा, पराठे भी सख्त बनाए हैं आज। मेरे को लग रहा है कि ये भी पागल हो गई भूख से। बेटा जानी, ये माजरा क्या है? अपने बच्चों को चाय तो पिला दो। अरे साहब, मैं हूँ मैं। अरे हाँ बाबा, मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम हो। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बाबा, मैंने कहा ना, मैं उसको बहुत जल्दी तलाक दे दूंगा। किसको? अरे बाबा, सीमा को। और किसको? उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा तुम्हारे पास आना। वैसे अच्छा तो ना मुझे भी नहीं लग रहा आज। देखो बाबा, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी कर लूंगा। क्या शादी? आप एक मर्द मुझसे शादी करना चाह रहे और मैं परेशान भी ना हूं? अरे बाबा, तो क्या औरत पूछेगी तुमसे? मेरी ना तबीयत सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? अरे बाबा, तुम्हारी उर्दू क्यों खराब हो गई अचानक से, जरीना की तरह? अच्छा, आप यहाँ क्यों आए थे, कोई काम था क्या? अरे बाबा, मेरी दिल भर जा, उसका जानी वहाँ। अरे जानी तो मैं हूँ, बच्चू भाई। हाँ बाबा, तुम बहुत शरारती हो गई, नोट जल्दी से चाय लेकर। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अच्छा सुने, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? हाँ बाबा लग रहा है। है ना? अब क्या लग रहा है मुझे बताएं, क्या लग रहा है? हाँ बाबा, नाश्ता बहुत हल्का था आज। आप भी ना, आपको हर वक्त खाने की सुस्ती रहती है। क्यों भला, मेरे दासाई और बाबा साई के पैसों का है बाबा, क्या हो गया है? अरे वो सब तो ठीक है मगर। अरे अगर मगर छोड़ो भला, ये गली के कोने में जाओ, ड्राई क्लीन की दुकान है, वहां से जाके मेरे कपड़े ले आओ। अरे भाई मैं कपड़े लेके आ जाऊंगा, मगर मेरी बात तो। एक तो तुम बेसबूत करती हो। ये क्या फिर वही करने लगी हो? हाँ तो भला और क्या बोलूं, मेरा कोई दिमाग खराब थोड़ी है तुम्हारी तरह के लड़की को लड़का बोलूं। लगता है सब के सब पागल हो गए, मोहल्ले वाले ही कुछ कर सकते हैं शायद, घर वाले तो किसी काम के नहीं। अरे भला यहाँ क्यों खड़ी हो, मैं कह रही हूँ ना जाके भला मेरे कपड़े तो लेकर आओ। हाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। लड़की हो गई लड़कों की तरह बातें कर रहे, छिछोरी बिरसा। अरे मजीद, मुझे एक बात तो बता। अरे दिलबर जानी, कैसी हो, रसमलाई कैसी थी? रसमलाई? कौन सी रसमलाई? हाँ हाँ, जो सीवीओ से वापसी में पैक करवाई थी तुम्हारे लिए। अबे मैं तेरे साथ सीवीओ गया कब हूँ? क्या रसमलाई में कुछ मिला होता है जो लड़कों की तरह बात कर रही हो? अबे मैं लड़का ही हूँ, लड़का हूँ मैं, लड़का लड़का। क्या कहा, लड़का? पागल तो नहीं हो गया? अबे क्या दिमाग खराब हो गया? मैं जानी हूँ, जानी तेरा दोस्त जानी। हाँ हाँ दिलबर जानी, तू हमारा जानी ही तो है। दफा हो तुम दोनों यहाँ से, बकवास कर रहे। अरे बाबा आ रहा हूँ, कौन आ गया है? अरे बच्चू भाई, आपने दरवाजा क्यों खोला? अरे बाबा, हम तो अरसे से दरवाजे खोले खड़े। हाँ मगर मैं तो अभी 15 मिनट पहले गया था। अरे बाबा, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ना मैडम बुला रही है आपको। नहीं नहीं बाबा, सीमा तो घर पर है ही नहीं, बाहर गई है अभी अभी। अच्छा हाँ। और वो जरीना? हाँ बाबा, वो घर पर है। शुक्र
शुक्र शुक्र काहे का बाबा? मेरा मतलब है कि शुक्र नहीं, शक्कर, शक्कर, हाँ। शक्कर? अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो शक्कर भूल ही गया। मैं काम करता हूँ, जाता हूँ, शक्कर लेकर आता हूँ, सही है? हाँ, शक्कर, शक्कर। अरे अरे अरे, अरे बाबा, लगता है दिलबर आज भी मुझसे नाराज है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे क्यों बुलाया? चल जानी बेटा, कम से कम लड़की बन गई, ये तो फायदा हुआ। ये लड़की घास तक नहीं डालती थी मुझे, कम से कम वो बात तो कर रही है मुझसे। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, मैं तो बस अपने नसीब का सोच रही थी। अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामे ना कर। मोहल्ले के लड़कों से लोट करवाती हो, किसी से बिरयानी मंगवा रही हो और किसी से मूंगफली। तुम मुझे यहाँ जलाने आई हो क्या? अरे अरे, मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरा भाई तुम्हारे घर रिश्ता लाना चाह रहा है। क्या रिश्ता? हाँ हाँ, मैं पूछने आई थी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों, बांझ हो क्या? बकवास बंद करो अपनी, चलो उठो और दफा हो जाओ। इस लड़की का तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ हाँ ठीक है, शादी करवाएगी मेरी, चल यहाँ से। अब मैं लड़कों से शादी करूंगी? कयामत की निशानी है ये। लाओ लाओ लाओ। हाँ तो ये लो। अरे बाबा, मैंने कपड़े थोड़ी मूंगफली मंगवाई थी। मूंगफली? ये कब कहा? अरे उस जमील ने दी थी ना उस पर। जमील? अब ये जमील कौन है? लगता है बाबा जमील से झगड़ा है। मेरा झगड़ा किसी जमील से? क्या बके जा रही हो? अरे मैं कहाँ बके जा रही हूँ बाबा, वो जमील जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो तुम्हें रोजाना 200 रुपए की मुफ्त की मूंगफलियाँ देता है। बॉयफ्रेंड? और नहीं तो क्या। अरे बेटा जानी, तू अगर लड़की है ना तो बेटा बहुत ही तेज किस्म की लड़की है। कहाँ कोगी बोला? अब कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि। अब सही बोला। क्या मतलब? मैं क्या सोच रही थी, ये तो मैंने बताया ही नहीं। अरे बला, सुबह से मैं यही सुन रही थी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, अभी तुमने बिल्कुल लड़कियों की तरह बोला है। बेटा जानी, इस सब मिलकर तुझको यकीन दिला देंगे कि तू लड़की ही है। अरे बला, अब क्या सोचू, कितनी देर से बोल रही, जा बला मूंगफली ले आओ ना। जा रहा हूँ, मेरा मतलब जा रही हूँ, लेकर आ रही हूँ मूंगफली। बार बार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, पागल लग रही है मेरे को तो। जानी, बाबा का रोज की तरह जमीन से मूंगफली लाए तो आधी तुम्हारी आधी मेरी। उठा कर कपड़े भी नहीं लेके गई मुई। बस बच्चों, मुझे पता है आप उस दिलबर पे ना कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। अरे बाबा, यतीम बेसहारा लड़की से हंस की क्या बात कर ली, क्या हो गया बाबा फिर उसमें? हंस बोल के ना, इंसान एक महीने में 3 सूट सैंडल और 1 सोने की अंगूठी नहीं देता। बाबा तुम्हें सोने की अंगूठी का किसने बताया है? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वो सूट और सैंडल वाली बात बिल्कुल सच है। लेकिन बाबा, मैंने सोने की अंगूठी नहीं दी है। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर मैं अंगूठी का जिक्र ना करती तो आप ये सूट और सैंडल का इकरार कैसे करते? बाबा सीमा, तुम बहुत होशियार हो गई। होना पड़ता है बच्चू। अरे बाबा, इस बात पर तो एक शेर भी है ना, वो क्या है कि जब खुदा हौसला देता है तो नजाकत आ ही जाती है। नहीं, जब शौहर हाथ से निकल रहा हो ना तो समझ आ ही जाती है। आजा बाबा, मैं बाहर से होकर आता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। तुम बहुत मजाइया हो गई हो है? क्यों, वो अंगूठी का ऑर्डर देने जा रहे हैं क्या? नहीं बाबा, बाहर हूँ बस। अरे शबनम, आज यहाँ पे क्या सालगिरह है किसी की? हट पगली, पहले जानू और आज मामू। क्या जानू? वो जो 2000 रुपए का लोड करवाया था। 2000 का लोड? पिछले हफ्ते का पिज्जा, रात की कोल्ड ड्रिंक, एक ही बोतल में 2 स्ट्रो के साथ जो हम लोगों ने पिया था, वो याद नहीं है? यो, एक ही बोतल में? बेटा जानी, हद है, तूने तो शबन को भी नहीं छोड़ा। क्या सोच रही हो, लोड के नाम पे तुमने वादा किया था मुझसे शादी करोगी? अरे चाचा, अपनी उम्र देखिए, चले निकले यहाँ से। और इस हार का और इस रुमाल का क्या करूँ? तो एक काम करें, इस हार को अपने अरमानों पे चढ़ाएं और उसी रुमाल से अपने आंसू पोछे, निकले यहाँ से। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चों, तुम आंसर रही हो, रो रही हो? रो रही हो बाबा। यो
शादी कर रहा है बच्चों से। मेरा घर जड़ा है। आ गई डाइन। क्या मतलब डाइन? कभी डाइन कभी दिलबर, आप दोनों ना एक ही मरतबा डिसाइड कर लो मुझे बोलना क्या है। अरे मेरा घर उजाड़ के कहती हूँ कि हम तुम पे गौर करें। क्या घर उजाड़ के क्या मतलब? क्यों भला तुम अदा साई से शादी नहीं कर रही? अदा साई से वो मतलब के वो बच्चू। देखा देखा तो साफ ही नहीं कह रही, सीधा नाम ले रही है। अरे मगर मैं ये अजीब से मुंह वाले से ना शादी वादी नहीं कर रही। अच्छा तभी अदा जो है ना ये वसीयत लिखाने के लिए वकील को लेकर आया ना। अरे जरीना ये वकील साहब नहीं है बाबा, काजी है। काजी काजी हाँ बाबा, जब तुम्हें मेरे और दिलबर के बारे में पता चल गया है बाबा, तो डंके की चोट पे मैं दिलबर को अपना शरीक हयात बना के छोड़ूंगा। ए शरीफे के मुंह वाले, मुझसे ना शादी का ख्याल भी ना लाना अपने दिल में। क्या बात कर रही हो दिलबर, तुम तो मेरी मोहब्बत का दम भरती थी बाबा। जी नहीं, मैं सिर्फ किचन में दम वाला कीमा बना के पराठे में भरती थी, मेरा मतलब है भरता था। अरे भाई जल्दी से बताएं किसका निकाह पढ़ाना है, हमने तलाक पे फतवा देने भी जाना है। काजी साहब जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? यानी कि हम जाएं? अरे बाबा बैठो, मामरा बोल रही है बाबा। अच्छा बच्चू आपको दिलबर से निकाह कबूल है? हाँ बाबा कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं। अच्छा दिलबर आपको बच्चू से निकाह कबूल है? नहीं। ये तो मैं ही मतलब मैं ख्वाब देख रहा था। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बड़ा ही भयानक ख्वाब था भाई। हेलो मैरिज ब्यूरो। अच्छा 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 बाहर आ गई क्या? अच्छा बाहर है। अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ देखता हूँ। तो मेरा नाम दिलबर है, मुझे ना वो मैरिज ब्यूरो वाले ने भेजा है। आपका नाम जानी है? अरे जल्दी बताएं किसका निकाह पढ़ाना है, मैंने तलाक के लिए फतवा भी देने जाना है। वो भी काजी, वो भी लड़की दिलबर। रॉन्ग नंबर। ये दिन दिहाड़े नोट गिन रहे हैं आप बार, और वो भी घर से बाहर। अरे बाबा घर के बाहर से नोट मिले हैं तो घर के बाहर ही गिनूंगा ना। जानी तुझे बाहर पैसे मिलेंगे, इसका ये मतलब था? इनकी ना नींद पूरी नहीं हुई इसलिए लेटे हुए हैं। अरे बाबा मुझको तो लगता है कि अरे बाबा मुझे यहाँ करंट का शॉक लगा है बाबा। करंट? इसका मतलब मैसेजेस सही आ रहे हैं। अरे मोबाइल ऐप है वो, और वो मुस्तकबिल का बताती है। अच्छा ओहो जानी तुम ये कहाँ इन फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए हो। अरे आप जानी का काम करेंगे तो जानी क्या करेगा? क्या मतलब? अरे बाबा मतलब ये है कि जानी के पास मोबाइल में एक ऐप है बाबा, वो मुस्तकबिल का बताती है। अरे बाबा मुस्तकबिल के लिए इल्म चाहिए होता है, ये मोबाइल शुबाइल किसी काम की नहीं, इसका बस नहीं है। क्या हुआ जानी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बताओ ना कि ऐप में क्या है, किससे होगी उसकी शादी? इसमें लिखा जरीना की शादी मुझसे होगी। क्या जरीना की शादी तुम्हारे साथ? इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर।